गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे, अच्छे ही रहना। चलो करते हैं दिन की शुरुआत। तो चलिए फिर करते हैं दिन की शुरुआत स्वीटी के साथ। तो कॉफ़ी पी ली है, शावर में ले आई हूँ, फ्रेश होके बैठ गई हूँ। क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। चीकू इधर आ। चीकू अपनी बॉल के साथ खेल रहा है। चीकू चीकू मर्जी से आएगा। और चलिए फिर आगे चलते हैं। आज क्या काम करना है, क्या बनाना है, जितना हो सकता बीच में शेयर कर देती हूँ। चलिए फिर स्वीटी के साथ आइए। फिर आज मैं बनाने जा रही हूँ, पहले तो मैं किचन साफ करूँगी, क्योंकि ये सुबह का कुछ है जो भी बनाया हुआ है तो काफ़ी थोड़ा सा गंदा हो गया, मतलब काफ़ी साफ करने वाला। चूल्हा साफ करूँगी। और मैंने आज भी भिगोए हैं चने, वाइट चने भिगोए हैं, और वाइट चने बनाऊँगी आज मैं। और पहले किचन साफ कर दूँ तो फिर उसके बाद मैं चने बनाती हूँ। आज खाएंगे वाइट चने। जी कैमरा मैंने यहीं पे सेट कर लिया, क्योंकि वो हैंडल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए तो मैं वो बनाने लगी हूँ। क्या कहते हैं इसे, मैं भूल गई इसका नाम। पास्ता। सच में कहती हूँ नाम ही भूल गई एक मिनट में, कि ये मैं क्या बनाने लगी, ये मैं पास्ता बनाने लगी हूँ। ना कि कहती है पास्ता करना, मेरा भी मन कर रहा था पास्ता करने को। एक ये शेप वाला पास्ता, और साथ में ये मैं कि ये पास्ता है कि ये मैक्रोनी है, इस शेप की है ये, बताना मेरे को आके यारा। ये वाली शेप, ये पास्ता है कि मैक्रोनी है? देखो ये होता पास्ता ही है। हाँ। पर इसके शेप का नाम मैक्रोनी है। अच्छा जी, मैं मिक्स करके बनाने लगी हूँ ना। एक तो ये वाला, ये तो पास्ता ही है ना, ये फार्फल है, पता नहीं ऐसा कुछ कहते हैं। ये अलग अलग लाती रहती है, तो इसके पापा भी जो जिसका ज्यादा बढ़िया डिजाइन होता है ना, वो उसको खा के कहेंगे वो टेस्टी है। मैं तो अभी, मेरे को ये वाला, मैंने मेरे ख्याल ब्रीक वाला नहीं खाया, जो मेरे को उसकी तरह लग रहा है। पर यहाँ पर इसको की तरह इसको ना मैक बोलते हैं, ज्यादा मैक एंड चीज कहते हैं, और नाम इसका वैसे एल्बोज एल्बोज होता है। ठीक है, मैं तो दोनों, मेरा ये भी खाने को मन कर गया, ये भी खाने को मन कर गया। अब देखती हूँ, मैंने मिक्स करके बनाने लगी हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। चलो बनाते हैं। कैमरा तो मेरे को सेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जो मैं अगर किचन का बनाऊंगी ना, वो दिखाई नहीं देगा। क्या क्या डालना है इसमें, इसमें मैं डालूंगी अनियन, शिमला मिर्च डालूंगी, कैप्सिकम, और टमाटर वगैरह तो मैं डालती नहीं हूँ, बस यही दो चीजें डालूंगी, यही डालूंगा, दो चीजें यही डालूंगी, ज्यादा और कुछ नहीं। चलो बनाते हैं फिर खाते हैं, यही काम है बनाना खाना, यही है जमाना। आप भी आना और आप भी खाना। अगर जिंदगी में खाया पिया नहीं, यही सोची गई कि मोटे हो जाना मोटे हो जाना, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, जाना तो सबको है ऊपर, मोटों को भी जाना पतलों को भी जाना, खा के जाओ, इसलिए सब कुछ खाओ। हाँ ठीक है, ज्यादा मोटे ना हो मगर खाओ सब कुछ। डाइटिंग ड्यूटिंग मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है डाइटिंग में, खाओ जो मन करता है खाओ, मगर खाओ बढ़िया बढ़िया, अपने हाथ से बना के खाओ, जो साफ सुथरा हो, सफाई वाला हो, जिसमें आपको पता हो कि आपने क्या क्या डाला है। और मोटे पतले की तो बात गई, मैं भी मोटी हूँ, मैं तो सारा कुछ खा लेती, जो मन करता है बनाती हूँ खाती हूँ, और मैं दूसरों को भी खिलाती हूँ, मेरे को मजा आता है खिलाने में। और अगर खा के कोई ये कह दे ना, वाह मजेदार है, फिर मेरे को और मजा आता है, फिर मेरे को ये होता है कि मैं और कुछ बना बना के खिलाती रहूँ, और खुद भी खाती हूँ, ऐसे करती हूँ, मैं खाती रहती हूँ सारा दिन कुछ ना कुछ। चटोरी हो बनो, सब चटोरे भगवान ने जन्म दिया है, खाओ पियो, दूसरों को भी खिलाओ, दूसरों को भी खुश करो खिला खिला के। चलो फिर मैं कैमरा सेट कर लूँ, तो मैं बनाती हूँ अब ये।
मेरी वीडियो तो होती है लंबी, फिर मैगी मुझे बोलती है। आइए मैं बनाने लगी हूँ पूड़ी। पूड़ी पता ना, पूड़ी जो चने के साथ खाते हैं, वो वाली बनाने लगी हूँ। तो वो मैं आटे की नहीं बनाऊंगी इस बार, बताती हूँ। कैमरा सेट करने लगी हूँ तो बताती हूँ कि मैं आज कैसे बनाने लगी हूँ, दिखाती हूँ। कैमरा सेट हो गया मेरा। दिखाई देता। मैंने ली है इतनी सूजी, ठीक है। पूड़ी बहुत बढ़िया बनती है, बना के देखना। और इसमें मैंने डाल देना है थोड़ा सा, 2 चम्मच ही डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी, इतना। मैदा डिब्बे के ऊपर भी लिखा हुआ मैंने कि इसमें मैदा डाला हुआ, नहीं तो मैदा मिलता जुलता होता है वो किसके साथ है, वो जो चावल काटा होता है ना उसके साथ मिलता जुलता होता है, इसलिए मैंने डाला। अच्छा ये क्या है, चेक करनी पड़ेगी जरा मेरे को। जी, मैदा वगैरह होता है ना घर में पड़ा होता है ना, थोड़ी सी ना सुसरी लगने का डर होता है। मैं बिल्कुल अच्छी तरह चेक करके चीज यूज करती हूँ। सूजी का भी शुक्र है भगवान की दया से, सूजी यहाँ ठीक रहती। जब मैं इंडिया होती थी ना तो कई कई बार अगर घर में सूजी पड़ी रह जानी ना तो सूजी में ना, इंडिया में सूजी में कीड़े लग जाते थे, सारी सूजी फेंकनी पड़ती थी। शुक्र है भगवान की दया से यहाँ किसी चीज में नहीं कीड़े होते, साफ सफाई बहुत होती है यहाँ पे। मगर आदत है ना एक कि मतलब हर चीज को यूज करना है ना देख के करना है। बस इसको मिक्स कर देना मैंने अच्छी तरह से। मिक्स करके ना थोड़ा सा इसमें नमक डालना है। कई होते हैं पूड़ी में ना अजवाइन डालते हैं, मैंने डालती अजवाइन, इसमें लाइट सा नमक डालूंगी, ज्यादा नहीं, बस और कुछ नहीं डालना। ये वाली बाजू बुजू जो होती है ना, जब फिर खाना बनाने लगती है ना कुछ जब गैस पे भी काम करना होता है तो मेरे को ये ऊपर वगैरह करनी पड़ती है, वो इसलिए कई बार डर भी रहता है। और वैसे भी कुछ भी सब्जी सब्जी बनाऊ थोड़ा बहुत हो जाता है। अब मैंने इसको भून लेना, हल्का हल्का पानी डाल के ना, अरे बिल्कुल टोटली ऐसे फिर दिखाऊंगी ना, मेरी वीडियो तो खुद ही लंबी हो जाएगी। पर एक बार जब मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ ना फिर बढ़िया रहता, नहीं तो बार बार कैमरा मेरे से सेट नहीं होता। एक बार में ही सारा पानी डाल देना, पूरी टेस्टी बनती है। एक बात और भी होती है, अपना अपना हर किसी का टेस्ट होता है ना। ये दो तैयार करके ना इसको पूरे आधे घंटे के लिए रखना है, तुरंत नहीं बनाना, आधे घंटे के लिए रख के ना फिर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको एक बार गूंथ देना, मल देना अच्छी तरह से, फिर दोबारा और फिर बनानी पूरी। बना के देखना। हाँ चीकू जी, क्या बात है। नॉर्मली डो तैयार करना है, ये नहीं कि कोई हार्ड करना या नहीं, ऐसे वैसे कुछ है। नीचे देख रहा है, ऊपर देख रहा है, मतलब नीचे खड़ा है ऊपर देख रहा है,
मेरी तरफ की मम्मी क्या बना रही है कुछ खाने के लिए देगी। कई ना लोग दो हाथों से आटा गूंथते हैं, मैंने आज तक कभी मेरे दूसरे हाथ से नहीं, मैं एक हाथ से गूंथती, एक हाथ से मेरे को परात पकड़नी होती है। और मेरी एक और आदत है, आटा ज्यादा गूंथ गूंथ के नहीं होती, मान लो सुबह गूंथती है फिर वो सारा दिन निकल जाता है। हिसाब का ही आटा गूंथ के रखती हूँ। बस अब इसको ना ढक देना, मैंने मैंने पूरे आधे घंटे के लिए ढकना, आधे घंटे के लिए ढक के ना सब छोड़ दिया। फिर इसके बाद इसको उठा के ना हाथों पे अच्छी तरह ऑयल लगा के फिर दोबारा गूंथना, फिर बनानी है पूड़ी, फिर अच्छी पूड़ी बनेगी। रेस्ट देते इसे, आइए और खाइए। मैं बना रही हूँ गोभी की परौंठी, आप भी आइए और खाइए स्वीटी के साथ गोभी की परौंठी। मैंने काट ली है, आज मैं काट के भिंडी बनाने लगी हूँ। ऑयल सरसों के तेल में बनाऊंगी और सरसों के तेल को मैं गर्म कर रही हूँ। इसमें मैंने भिंडी में सिर्फ भिंडी वॉश करके साफ करके सुखा के, तो इसमें मैंने सिर्फ हरी मिर्ची डाली है और रफ सा मैंने इतना सा प्याज काट लिया है। टमाटर नहीं डालूंगी मैं इसमें अमचूर डालूंगी। और मैगी दिखाती हूँ उधर क्या बना रही है, मैगी लगी हुई है, पिज्जा बना रही है। ये गाइस फ्रोजन पिज्जा होता है। अब करती हूँ मैगी से बात। मैंने इस सरसों का तेल वो गर्म करने के लिए रखा हुआ था ना, फिर उसका डर रहता। हाँ ये मैगी जी, ये क्या बनाया आपने? ये मैंने फ्रोजन पिज्जा को एयर फ्रायर कर लिया, अभी गर्म है। और अब आप क्या कर रहे हैं? माइक्रोवेव में उसे डिफ्रॉस्ट किया ना, तो फिर उसे बस एयर फ्रायर में रख दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, अब समझी मैं। तो एक पीस हो रहा था ना उसमें जा रहा था, तो वो पहले मैंने किचन में रखा हुआ था ना ये वाला एयर फ्रायर, तो अब मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि वहाँ रोज का मेरे को थोड़ा सा डर लगने लग गया था। तो यहाँ रखा है, यहाँ चल रहा है, इधर मैंने वो रखी हुई है क्या कहते हैं कॉफी मेकर, पिज़्ज़ा इज माय फेवरेट। अमेरिका में सब बच्चों का ज्यादातर फेवरेट पिज़्ज़ा ही होता है। पिज़्ज़ा खा ले, पिज़्ज़ा खा ले, पिज़्ज़ा खा ले। देखो आओ दिखाऊं और मैंने ये सूखा धनिया क्रश करके इसमें डाल दिया। क्या बता मेरे बेटे, खुद सेट नहीं किया, अपने हाथ में पकड़ा हुआ। लाइट सा ना इसको थोड़ा सा होने दूंगी, थोड़ा सा हाथों पे तो पड़ते ही रहते हैं ना, क्या बताओ ये बाजे लगे हुए मेरे ना हाथों पे तो पड़ते ही रहते हैं। जब किचन में काम करना, ऑयल का बनाना, खाना है, तो ये कुछ तो पता ही होगा ना।
थोड़ा सा भून लो। अब मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और जीरा पाउडर जो करता पीसा हुआ और अमचूर डाल दिया है और नमक डाल दिया है, बस इसमें टमाटर नहीं डालना। चलिए फिर आज के ब्लॉग का हम यही पे एंड करते हैं, थक गई हूँ। इस टाइम तो बाजा बज जाता है थकावट का, ये तो मेरी आंखों से पता लगने लग जाता है। अगर आंखें मेरी ऐसी थकी हुई होती है ना फिर ऐसे बिल्कुल। चलिए फिर आज के ब्लॉग का हम एंड करते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो मिलते हैं कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। बस अभी थोड़ा सा काम रहता है घर का, वो करके फेस वॉश करके बस सोने जा रही हूँ, फेस वॉश करने जाना अभी। चलिए फिर, अच्छा तो हम चलते हैं। मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना नहीं भूलना। ओके, बाय बाय, आपकी स्वीटी, बी हैप्पी, बाय। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो बनता है ना, बनता है ना, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय, बी हैप्पी, always be happy.